अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, आज का जो व्लॉग है ये मैंने सुबह 8 बजे, तकरीबन 8 बजे हम लोग सब उठ गए थे और मैंने जल्दी से बस चाय बनाई और उसके साथ हमने रस खाए। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जी जा रहे हैं मरी, और वन नाइट का स्टे है हमारा। और यहाँ पर मैंने अपनी सारी पैकिंग शैकिंग कर ली है। और मैंने जो ये ड्रेस पहना हुआ है, ये खादी का मैंने कुर्ता पहना हुआ है, ये लास्ट ईयर का है। और इसके नीचे मैंने जो है वो प्लाजो पहना हुआ है। तो खाला मुझे कह रही थी कि लॉन्ग शर्ट के साथ ना प्लाजो वो इतना अच्छा नहीं लगता, तो तुम टाइट पहनो। लेकिन मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने प्लाजो पहना। तो यहाँ पर जो है मेरे कज़न सारे ही छुप रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमें व्लॉग में मत लाना, लेकिन मैंने कहा मैं तो लाऊंगी लाऊंगी तुम सबको। और फिर हंस रहे थे। और ये देखें यहाँ पे क्या तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है। व्लॉग में आने से इन लोगों को इतना डर लगता है कि ये अपने चेहरे छुपाने लगे हुए थे कि हमने नहीं आना। आज पिंडी सावाद का मौसम भी बहुत अच्छा था और रास्ते में खूब इंजॉय किया। बहुत ही प्यारा मौसम था और लगातार बारिश ही हो रही थी। और हम लोग पहुंच गए हैं, ये PTCL का रेस्ट हाउस है। यहाँ पर हमारी बुकिंग है, वन नाइट स्टे था हमारा यहाँ पर। तो सब ने ही अपने अपने कमरे जो है ना, वो बुकिंग अपनी कमरों के जल्दी जल्दी भाग के सब ने अपने अपने बैग्स हर कमरे में रखे और सब यही शो मचा रहे थे, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम है। और हम सब की आपस में इसी चीज़ पे बहस हो रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी कि नहीं जी तुम वो वाला कमरा लो, ये मेरा कमरा है। तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने सब ने इस चीज़ को। तो वो जो ब्लू वाला था ना, वो मैं नेम लगा था, और ये वाला जो है ये मेरी जो खाला हैं सब उन्होंने लिया था। और ये थोड़ा काफ़ी मास्टर बेडरूम था। और फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ पर रात को मैट्रेस वगैरह बिछा लेंगे और आराम से सो जाएंगे। तो इधर 3 बेडरूम थे, टीवी लाउंज था, किचन भी था, और बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा उन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो ये है खाला के बेडरूम से जो व्यू आ रहा था नज़र, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और थोड़ा सा टेरेस था, पहुँचे थे तो तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा था। हम लोगों ने पहले ही ऑर्डर किया हुआ था चिकन कढ़ाई बनाने का, तो बस रोटियां वगैरह वो लेने के गए थे। और सबको शदीद भूख लगी हुई थी। और ये जो है ये सिटिंग एरिया है, मतलब टीवी लाउंज है। यहाँ पर टीवी भी लगा हुआ था, दूसरे बेडरूम में भी टीवी था। और बड़ा ही खूबसूरत ये सब कुछ इनकी अरेंजमेंट हुई हुई थी। मैं तो यही चीज़ें देख देख के खुश हो रही थी। और यहाँ से पे जो व्यू है, ये टीवी लाउंज का भी जो व्यू नज़र आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पर अब क्योंकि सभी थके हुए थे और रोटी आने का इंतज़ार कर रहे थे और शदीद भूख लगी हुई थी सबको, तो यहाँ पर अच्छा एक और यहाँ पे बड़े मज़े का सीन हुआ कि जब हम लोगों ने, ये एक और बेडरूम है, ये मतलब 3rd बेडरूम है, ये मेरी दूसरी खाला, मतलब 3 खाला हम लोग गए हुए थे तो ये दूसरी खाला ने लिया है। तो यहाँ का भी खिड़की में से जो व्यू है वो वही व्यू है जो तमाम उधर से नज़र आ रहा है टेरिस से। तो जी मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, तो जो हमारे बेडरूम था उसका ये सीन हुआ था कि हम लोग क्योंकि लड़कियाँ थी और हम लोगों ने लड़कों को बोला कि ये वाला वॉशरूम तुम लोगों ने नहीं यूज़ करना, ये सिर्फ लड़कियाँ यूज़ करेंगी। तो लड़कों को हमने एक और दूसरे बेडरूम का वॉशरूम कहा था कि तुम लोग वो यूज़ करोगे। इसी चक्कर में खाला ने अंदर से लॉक लॉक नहीं किया था, वो कहीं थी, मैंने वैसे ही बंद किया था। तो उसमें क्योंकि हमारा सामान वगैरह था, तो यहाँ पर खाना भी आ गया है। मैं आपको आगे चल के वो किस्सा सुनाती हूँ कि हुआ क्या था। तो यहाँ पर जी ये कढ़ाई बनाई थी और बहुत ही यम्मी थी और बड़ी ही मज़े की थी। असल में ऐसी जगहों पे जाके ना मुझे लगता है भूख और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप चलते बहुत ज़्यादा हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी बहुत लाइट किया हुआ था इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो जी हम लोगों ने अपने अपनी प्लेटों में खाना डाला और सैलेड भी बहुत मज़े का था। तो और हम लोगों ने फिर आके बाहर यहाँ पर खूब मतलब टेरेस में ही आ गए थे अपना खाना डाल के ना, तो
तो ताकि मौसम भी इंजॉय करें, और उफ इतना मज़ा आया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इस अच्छा, तो वो किस्सा ये था कि मेरी खाला जो थी वो अंदर थी और दूसरी खाला ने बाहर से लॉक कर दिया था दरवाज़ा। और खाला जब बाहर आई और उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो वो दरवाज़ा हैंडल जो था उसका वो टूट गया था और वो खुल ही नहीं रहा था। तो जाते ही हमने खाना अभी खाने से हम लोग फारिग हुए थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने ये वक्ता डाल दिया था कि दरवाज़ा फंस गया है, और फिर वो दरवाज़ा तोड़ना पड़ा और दूसरी जो खाना है वो मेरी खिड़की से बाहर आई। खाना खाते खाते इतने बादल आ गए थे वहाँ पर कि बहुत ही खूबसूरत सीन हो गया था। और फिर इस मौसम में आपको बार बार दिल करता है कि चाय हो गरम गरम और साथ में कुछ समोसे टाइप पकौड़े टाइप चीज़ें हो। लेकिन शुक्र है मैं जाते हुए यहाँ से लेके गई थी, आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा गीगा मॉल वाला, तो वहाँ से मैंने ये केक रस और ये थोड़ा पैटी टाइप कोई चीज़ थी, मीठा था लेकिन ये, तो वो मैंने ले लिए थे क्योंकि अच्छा लगता है ऐसी जगह पे, क्योंकि चाय बार बार पीने का दिल करता है और फिर साथ में कुछ चीज़ भी हो। तो यहाँ पर अब मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ, और बहुत ही बादल आए हुए थे और बड़ा ही खूबसूरत मौसम हुआ था, जैसे दिसंबर की ठंड होती है ना वैसा वहाँ का मौसम था। और और हम लोग यहाँ पर मौसम इंजॉय कर रहे थे, सेल्फियाँ ले रहे थे और पिक्चर्स खिंचवा रहे थे, और जो लड़के हैं वो यहाँ पर ये कारनामा कर रहे थे। तो जहाँ पर लड़कों को तो बिल्कुल भी सेल्फी और पिक्चर्स का इतना शौक़ नहीं होता, लड़कियाँ तो बस जी हम लोग पोज बना बना के सब कज़न्स इकट्ठी होकर पिक्चर्स ले रही थी। और जब हम लोगों ने यहाँ आकर देखा तो ये लड़के ये पार्टी कर रहे थे अपने। तो ऐसे ही होता है ऐसी जगहों पर, हर तरह की गेम्स वगैरह खेलने का भी बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर आके हर दफ़ा जो था ना इसका व्यू वो चेंज हो रहा था, कभी बादल बिल्कुल ऊपर तक आ जाते थे और इवन के अंदर भी आ रहे थे, और कई दफ़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे और एकदम से ऐसे लगता था ज़मीन में से निकल रहे हैं। ये वाला सीन देखें, बहुत ही खूबसूरत ये व्यू था, ऐसे लग रहा था बादल ज़मीन में से निकल रहे हैं। तो जी जब लड़कों को हमने गेम अपनी ताश वगैरह खेलते हुए देखा, तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहें, तो हम लोग भी लूडो खेलेंगे भाई। तो लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा लूडो में इंटरेस्ट रखती हैं, तो हम भी स्पेशली हम लोग जो था ना वो लूडो लेके गए थे। और यहाँ पर तो लूडो हमारी फैमिली में एक्सपर्ट जो है ना वो मेरी खाला हैं, लूडो एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं आती। और ये वाली जो है वो मेरी बारी थी और मैं रो रही थी बार बार कि 6 आ जाए 6 आ जाए, और मेरा 6 आ ही नहीं रहा था। और अभी अगला जो होगा थोड़ी देर बाद देखिएगा, तो 6 पर 6 आने शुरू हो गए थे मेरे। और फिर ये होता है ना कि कई दफ़ा आपका 6 आ ही नहीं रहा होता और जब आने पे आता है तो फिर आता ही जाता है। और बस लूडो वगैरह खेल के हम लोग फ्री हुए, तो कज़न्स वगैरह गए हुए थे, हम लोग ना नहीं निकले थे क्योंकि हमें जो था वो कोरोना की वजह से, इसलिए हम लोग मॉल रोड पे बिल्कुल भी नहीं गए थे। हम लोगों ने बस फिर कज़न्स वगैरह ही को बता दिया था कि ये सब ने अपना अपना बता दिया था कि ये खाना है, तो वो ही जाके ले आए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने रात में बस मील इंजॉय किया और बाद में फिर खूब गपशप और बातें और गेम्स वगैरह लूडो वगैरह खेलते रहे और बहुत इंजॉय किया हमने सारी रात।
तो उसके बाद ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, और यहाँ पर जो था वो बहुत मज़े का पराठा बनाया कर दिया था उन्होंने, और साथ में जो था हम लोगों ने एग्स फ्राई करवाया था। ऑमलेट का भी ऑप्शन था लेकिन ऑमलेट हम लोगों ने मना कर दिया था, फिर सिंपल एग ही सबने खाया था। और ये ही नाश्ता है, इतना मज़े का लग रहा था ना कि बहुत ही मज़ा आया खा के, और पराठा भी उन्होंने बहुत मज़े का बनाया था। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे नथिया गली की तरफ, और नथिया गली जाने से पहले पहले मैं तो बिल्कुल रेडी हो गई थी, और कज़न्स वगैरह अपने बच्चों वगैरह को संभाल रही थी, उनके रोने जो थे वो उनको चुप करवा रही थी, कोई किस चीज़ पे रो रहा था तो कोई किस चीज़ पे रो रहा था, और उनको रेडी कर रही थी जाने के लिए। तो फिर मैं जो थी वो फ्री हो गई थी और मैं तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए और जाते जाते व्यू जो है यहाँ का कैप्चर करूँ। और यहाँ पर देखें कल इतने बादल थे कि ये बिल्कुल छुपा हुआ था, और अब देखें माशाल्लाह इतना खूबसूरत व्यू था, और रात को भी बड़ा क्लियर हो गया था आसमान। लेकिन रात को जो था वो वीडियो मैंने बनाना भी भूल गई, और इतना क्लियर बन भी नहीं रही थी। तो यहाँ पर बस अभी हम लोग सब रेडी हो गए हैं, और हम लोग जाएंगे अब नथिया गली की तरफ। बस नथिया गली पहुंच गए थे, और हम लोग आए हैं PTCL का जो रेस्ट हाउस है वहाँ पर। बस हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ आए थे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, और वापस भी जाना था हमने पिंडी। तो यहाँ पर बस अब हम लोग देखने आए थे कि यहाँ का मैस कैसा रेस्ट हाउस कैसा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले यहाँ की बुकिंग करवानी थी लेकिन नहीं हो सकी, इसलिए फिर हम लोगों ने मरी की करवाई। तो वैसे अच्छा ही हुआ हम लोगों ने मरी की करवाई, क्योंकि वहाँ का व्यू जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। सुकून के लिहाज से नथिया गली बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर व्यू देखना है तो मुझे मरी वाला ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पर आते ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि हम लोग बस अंदर चले गए थे, और चाय का हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था, और हमारे लिए चाय बन रही थी। और जो थोड़े बहुत बारिश कम हुई तो हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। और यहाँ का ये था कि बिल्कुल जो है वो दरख्तों में घिरा हुआ है, और यहाँ पर भी जो था मौसम बहुत ही खूबसूरत था, और हमारे आते ही बारिश शुरू हो गई है। जी बस हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ी देर स्टे किया, चाय शाय पी। तो बस हम लोग अब वापसी की तरफ हैं, हम लोग पिंडी जा रहे हैं, और ये वाले जो छोटे छोटे मैंने व्यूज़ कैप्चर किए हैं आप लोगों के लिए, आई होप कि आप लोग मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस मतलब वेकेशंस में कहाँ गए और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो ये वाले जो व्यू है ये वापसी का है, और यहाँ बस हम लोग पिंडी की तरफ रवाना दवाना है।